हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग? ऑल गुड, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। तो यहाँ पर हम शुरू करने वाले हैं स्टैटिस्टिक्स का क्लास नंबर 4, लेक्चर नंबर 4, जिसमें आज से हम पढ़ेंगे पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा। जो भी स्टैटिस्टिकल डेटा होता है, जो भी वैल्यूज होती है, जो भी इंफॉर्मेशन होगी, वो हम पिक्चर के माध्यम से, कुछ ग्राफ के माध्यम से, कुछ डायग्राम के माध्यम से हम रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे। इसे कहते हैं, लेट्स से, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा। जैसे यहाँ पर आपको एक दिख रहा होगा, ठीक है, तो एक पाई चार्ट की तरफ तरह दिख रहा है। एक बजट में हर साल जब भी बजट होता है, बजट के बाद आपको न्यूज़पेपर में ये वाला पिक्चर दिखाई देगा, राइट? हाउ रुपीज कम्स एंड हाउ रुपीज गोज, मतलब ये रुपया कैसा आता है और ये कैसा जाता है, उसका डिविजन यहाँ पर एक डायग्राम की हेल्प से हमें एक्सप्लेन किया गया है। जैसे कि कुछ पार्ट डेब्ट एंड लाइबिलिटीज है, कुछ पार्ट कारपोरेट टैक्स है, इनकम टैक्स है, कस्टम्स है, यूनियन एक्साइज ड्यूटीज है, सर्विस टैक्स एंड अदर टैक्सेस है, देन कुछ पार्ट रिप्रेजेंट किया है नॉन डेब्ट कैपिटल रिसिप्ट्स लाइकवाइज, ठीक है। फिर कैसे जाता है वो भी एक पिक्चर से यहाँ पर दिखाया गया है, ठीक है। तो एक सर्कल को कंप्लीट मान के फिर उसके कुछ डिविजन्स किए, कुछ एंगल्स में सेक्टर्स बनाए और उस सेक्टर्स को अलग अलग पार्ट से यहाँ पर दिखाया गया है, ठीक है। तो इसे ही हम कहते हैं एक्चुअली पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, पिक्चर के माध्यम से इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करना, शो करना, हमें दिखाना, वो सब डेटा हमें दिखाना टेबुलर फॉर्म की, लाइक टेबुलर फॉर्म के अलावा वो किसी ग्राफ में हमें बताना, तो हमें इजीली समझ में आएगा कि किसकी वैल्यू ज्यादा है, किसकी वैल्यू कम है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर आप एक और एग्जांपल देख सकते हो प्लेयर एंड रन का। ये तो नॉर्मली हम जो क्रिकेट को पसंद करता है, ज्यादातर इंडिया में बहुत सारे लोग क्रिकेट को पसंद करते हैं, क्रिकेट एक रिलीजन है यहाँ पर। तो क्रिकेट में, उसी क्रिकेट में आपने देखा होगा प्लेयर्स ने कितने कितने रन बनाए, कितने कितने ओवर, लाइक पर ओवर, तो ये आपको एक मैनहट्टन डायग्राम यहाँ पर दिखाई देता है। इवन वार्म डायग्राम भी होता है, बहुत सारे होते हैं, इवन स्कोर का एक सर्कल भी होता है, ठीक है। तो इसे ही कहते हैं पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेटिस्टिकल डेटा। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा, ठीक है। तो बच्चों, हमें क्या पढ़ना है इसमें से? हमें पढ़ना है हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम मतलब क्या, वो कैसे ड्रॉ करते हैं, उसका ग्राफ कैसे बनाते हैं, देन फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन एक पढ़ना है, एंड पाई चार्ट। ये तीन हम लाइक जो स्टेटिस्टिकल टूल्स है, ओके, वो हम पढ़ने वाले, ठीक है। तो आज की क्लास में हम करेंगे हिस्टोग्राम, आज की क्लास में पढ़ेंगे हिस्टोग्राम, ठीक है। उसके पहले डेटा का प्रेजेंटेशन जो होता है, उसके लिए कौन कौन से टूल्स, कौन कौन से मेथड्स यूज की जाती है, वो एक बार हम देखते हैं, ठीक है। छो रुको थोड़ा, यहाँ पर मैं शायद आपको दिक्कत हो, इससे हम करते हैं थोड़ा बाजू यहाँ पर। अब ये फ्लो चार्ट, अब ये फ्लो चार्ट भी उसमें आता है, ओके। एक्चुअली फ्लो चार्ट भी स्टैटिस्टिकल टूल्स में आता ही है। तो सबसे पहले डेटा प्रेजेंटेशन हम लिखेंगे, आप ही मेरे साथ लिख लीजिए तो भला होगा मेरा आपका। डेटा प्रेजेंटेशन, ओके, ज्यादा नहीं है, कुछ एक फ्लो चार्ट है। अब जो भी डेटा होता है, ठीक है, ठीक है, ठीक है बा, ओके। अब इसके तीन मेथड्स होते हैं, मतलब रिप्रेजेंटेशन के, ठीक है। ऐसे हम इसे डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ये है टेबलेशन, मतलब टेबल फॉर्म है। या पेन चेंज करते हैं, पेन, देन नेक्स्ट होता है पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन, और पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन भी कहते कह सकते हैं, पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन। देन नेक्स्ट आएगा आपका ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकल मेथड। ऑलराइट, यस। नाउ टैबुलेशन में फिर दो तरीके से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक होता है ग्रुप्ड डेटा और एक होता है अनग्रुप्ड डेटा। ग्रुप्ड मतलब पता है आपको, अनग्रुप्ड मतलब भी पता है, अगर किसी को पता नहीं है तो उनके लिए अब हम क्या ही करें, क्या ही करें, मतलब आपको ही करना है सर, आप टीचर हो, आपको बताना पड़ेगा वो क्या होता है। तो टैबुलेशन में देखो, ग्रुप मतलब क्या होता है कि बहुत सारा डेटा होता है, तो हमने क्लास किया होता है, ग्रुप बनाए होते हैं, उनकी कैटेगरीज बनाई होती है, ओके, और उसमें उस डेटा को रखते हैं, ठीक है। जो जिस कैटेगरी में आएगा वो उसी क्लास में चला जाएगा, तो इससे ग्रुप्ड अनग्रुप्ड कह सकते हैं, ग्रुप्ड डेटा एंड अनग्रुप्ड डेटा।
ठीक है। देन नेक्स्ट पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में देखो बार डायग्राम, ओके, मतलब ग्राफ होता है, बार ग्राफ होता है, एंड पाई डायग्राम, ओके। ये दो, चलो आपके सिलेबस में तो ये दो दिया है, हम उसी को आगे बढ़ाएंगे। ओके, बार डायग्राम, बार डायग्राम एंड पाई डायग्राम, आप ना इसका स्पीड बढ़ा के देख सकते हो अभी, या लिख रहे हो मेरे साथ तो उसी स्पीड पर देख सकते हो। फिर बार डायग्राम में और बार चार्ट में बोल सकते हो, बार ग्राफ में बोल सकते हो, बहुत सारे आते हैं फिर। ओके, तो उसमें आता है, लेट से फर्स्ट, फर्स्ट आएगा हमारा सिंपल, सेकंड आएगा हमारा जॉइंट, देन थर्ड आएगा हमारा डिवाइडेड, एंड देन लास्ट आएगा हमारा परसेंटेज। ओके, तो इसमें क्या क्या आता है, इसमें आता है सिंपल, देन जॉइंट, देन डिवाइडेड, देन परसेंटेज। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, ग्राफिकल मेथड में लाइन ग्राफ, हिस्टोग्राम एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। ग्राफिकल में आएगा हमारा, इसमें लाइन, हिस्टोग्राम एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, चलो ऐसे। और ये फ्लो चार्ट भी आता है, ठीक है, इसमें हिस्टोग्राम, देन लाइन ग्राफ, ये अपना ज्योग्राफी में भी बहुत सारे ग्राफ्स देखोगे ऐसे, एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। ठीक है, इनमें से हमें फोकस करना है इनके ऊपर, एक ये हिस्टोग्राम, देन ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन एंड पाई डायग्राम, तो ये तीन हम इस साल पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहला हिस्टोग्राम, हिस्टोग्राम क्या होता है, देखो हिस्टोग्राम, हिस्टोग्राम, अब ये जो भी दिख रहा है ये है आपका हिस्टोग्राम, ठीक है। अब हिस्टोग्राम में देखो कैसे डेटा रिप्रेजेंट किया जाता है, तो वहां पर कुछ आपको क्लासेस दिख रही होगी, ठीक है, कंटिन्यूस क्लासेस में आपको पहले करना है, ओके। वो ग्रुप है 7.5 to 9.5 का, 9.5 to 11.5 का, 11.5 to 13.5 का एक ग्रुप दिख रहा है, तो ऐसे ग्रुप्स है, ठीक है। तो उनके बार बनाए, देखो बार, ठीक है, तो उनके बार बनाए, उससे आपको समझ में आएगा कि किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, ओके। तो वाई एक्सिस पर फ्रीक्वेंसी रखी है, एंड एक्स एक्सिस पर वो ग्रुप्स रखे और वो क्लासेस रखे, ठीक है। और यहाँ पर आपको एक सिंबल भी दिख रहा है, देखो ऐसे ऐसे, ठीक है। अब ये जो भी सिंबल है इसे क्रिंक कहा जाता है, क्रिंक, ये जो भी क्रिंक है ना, ये कब यूज करते हैं, जब हमारा ग्राफ और जो भी वैल्यूज है ना वो जीरो से ना स्टार्ट होके किसी अलग वैल्यू से स्टार्ट हो रही है ना वहां पर, तो वो गैप फिल करवाने के लिए हम वो क्रिंक रखते हैं, ठीक है। मैं बताऊंगा आपको जब भी हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे ना अभी, तो मैं बताऊंगा, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं हिस्टोग्राम। तो ड्रॉ करना बहुत ही सिंपल होता है, पहले एक्स एक्सिस पर आप वो वैल्यूज रखो, कौन सी वाली क्लासेस बनाओ, ओके, एंड वाई एक्सिस पर उसके अकॉर्डिंग फ्रिक्वेंसी को प्लॉट करो, हो गया, ठीक है। स्केल अच्छे से आपको यहाँ पर कंसीडर करनी पड़ेगी, तो चलो मैं आपको यहाँ पर अब शुरू करने जा रहा हूँ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, और उसमें हम शुरू करेंगे पहले प्रैक्टिस सेट 6.4। रुको थोड़ा, ठीक है, इसको मैं इसको गायब करता हूँ कहीं पर, तो हाँ ये प्रैक्टिस सेट 6.4 है। सबसे पहले आपके पास होना चाहिए उसके लिए ग्राफ, ओके। फिर आपके पास होना चाहिए पेंसिल, इसकी हम साइज थोड़ी कम करते हैं अब पेंसिल की, ठीक है। अब सबसे पहला आपका काम होगा कि टू ड्रॉ एक्सिस, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ से ये ड्रॉ करेंगे, ये है हमारा वाई एक्सिस, दो लाइंस छोड़ के यहाँ से ये ड्रॉ करेंगे, ये है हमारा एक्स एक्स, ठीक है, ठीक बा, ठीक बा, ठीक है। ये ऐसे इसे एरो करना है, समझ लो अच्छे से, ये है जो भी इंटरसेक्शन पॉइंट, इसे जीरो और ओ नाम दे सकते हो,
ये हमारा वर्टिकल जो भी है वो है वाई एक्सिस से हम लिखेंगे वाई एक्सिस, फिर ये हॉरिजेंटल है, ये है हमारा एक्स एक्सिस, इसे हम लिखेंगे एक्स एक्सिस, ठीक है। आपने वाई वाई लिखा तो भी चलेगा, ये वाई होगा, ये हमारा वाई डैश होगा, ओके, ये हमारा एक्स होगा, ये हमारा एक्स डैश होगा, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पर अब देखो, ये हमारा जो भी डेटा है वो 135 से शुरू हो रहा है, इसका मतलब जीरो से नहीं शुरू हो रहा, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर एक बनाएंगे क्या, किंक, क्रिंक, चलो ये बना हमारा क्रिंक, ठीक है। क्रिंक बनने के बाद अब हम शुरू कर सकते हैं, अब शायद हम लेट से यहाँ से प्लॉट करना शुरू कर देंगे, ओके। तो जो एक एक यूनिट है ना वो हमारा एक एक ग्रुप बनेगा, क्लियर, समझ में आया। तो वाई एक्सिस पर एक्चुअली वो क्लास इंटरवल है ना, तो फाइव क्या बोल सकते हैं, वो सेंटीमीटर हाइट है, हाइट ऑफ स्टूडेंट्स प्लॉट करना है हमें, तो चलो हम स्केल भी बना लेते हैं यहाँ पर, स्केल, स्केल क्या होगी, ऑन एक्स एक्सिस सबसे पहले 1 सेंटीमीटर, बच्चों ये जो भी एक कॉलम का डिस्टेंस है ना ये 1 सेंटीमीटर होता है, ठीक है, ये वाला डिस्टेंस, तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, क्लास इंटरवल कितना है देखो, 5 5 सेंटीमीटर हाइट है वो, ठीक है। एंड देन ऑन वाई एक्सिस ऐसे आपको लिखना है ऊपर 1 सेंटीमीटर, वाई एक्सिस पर देखो हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्लॉट करना है, तो सबसे ज्यादा कितने 16 है, सबसे ज्यादा कितना है 16 है, तो हम क्या करेंगे दो दो इंटरवल, दो दो का इंटरवल रखेंगे, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 स्टूडेंट्स, ठीक है, आप ऐसे वहां पर लिखो 2 स्टूडेंट्स में, STUD सिंपल लिखा, ठीक है। तो अब यहाँ पर एक्स एक्सिस पर हम लिखेंगे वो क्लासेस बनाएंगे, और कंटिन्यूस बनाना है आपको, ठीक है, कंटिन्यूस क्लास है क्या देखना है पहले, कंटिन्यूस है सब, ठीक। तो ये है 135, ये है आपका पॉइंट 140, ये है आपका पॉइंट 145, राइट, ये है आपका पॉइंट 150, ये है 155, ओके, 135, 140, 45, 50, 155, ठीक है। तो ऐसे आपको 1 2 3 4 फोर कॉलम्स आपके बन जाएंगे, ठीक है। अब आपको वाई एक्सिस पर मार्किंग करना है, तो वाई एक्सिस पर देखो पहले, तो दो दो का इंटरवल हमने लिखा है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 स्टूडेंट्स, तो ये आएगा 2, ये आएगा 4, ये आएगा 6, ये आएगा 8, ये आएगा 10, ये आएगा 12, ये आएगा 14, देन ये आएगा 16, देन ये आएगा 18, चलो बस, ठीक है, 18 के ऊपर तो जाने वाला नहीं है। अब हमें सिंपल ड्रॉ करना है हिस्टोग्राम, और उसके पहले हमें यहाँ पर एक्सिस पर अच्छे से लिखना है, तो एक्सिस पर अच्छे से हम लिखेंगे एक्स एक्सिस पर ये क्या है, हाइट ऑफ स्टूडेंट से, राइट, ये है हाइट ऑफ स्टूडेंट्स, अच्छे से करोगे तो अच्छे मार्क्स मिलेंगे, हाइट ऑफ स्टूडेंट से इन सेंटीमीटर, ठीक है, ये इस डायरेक्शन में, ओके। उसी तरह यहाँ पर वाई एक्सिस पर क्या है, ये है आप दिस इज व्हाट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, राइट, तो ये है यहाँ पर, कहाँ गया कहाँ गया ये, राइट, ये उल्टा हो रहा है कुछ, ये आपका नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, ठीक, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ओके, ऐसे ऊपर वाई एक्सिस पर वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है। चलो अब हम सीधा प्लॉट करेंगे, ग्राफ को अच्छे से देखो, अब यहाँ पर ध्यान दो, पहले फर्स्ट क्लास के लिए 135 to 140 के लिए 4, ओके, तो 4 कहाँ नंबर है ये, तो यहाँ से पहले एक हॉरिजेंटल 1 सेंटीमीटर तक खींचो, ये आएगा आपका 135 का, ठीक है, इसे कंप्लीट किया तो भी चलेगा, उसके ऊपर ही करना है आपको, देन नेक्स्ट 140 to 145 का है 12, 12 कहाँ है, यहाँ है ये 12, ठीक है, ओके। नेक्स्ट है आपका 145 to 150, 145 to 150 का है 16, ये यहाँ से,
ओके एंड नेक्स्ट है आपका 150 to 155, 150 to 155 का है, 8, 8 कहाँ पर है ये? तो ये बहुत ही सिंपल वाला, मतलब ये प्रैक्टिस सेट होने वाला है, अच्छे से मार्स आएंगे। चलो ये बना आपका हिस्टोग्राम। इसमें देखो मार्स लाने के लिए आपको सिंपल ये बातें याद रखनी है, स्केल होना चाहिए आपका, एक्सिस अच्छे से होने चाहिए, एक्सिस पर ये नाम होना चाहिए, ओके। देन उसके ऊपर जो भी वैल्यूज है वो आपको अच्छे से लिखनी है यहाँ पर, ठीक है। एंड हाइट जो भी है, किंक अगर लगेगा तो क्रिंक यहाँ पर आपको यूज करना है, ठीक है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, वो मतलब जो भी कुछ है वो एक्सिस पर का डेटा वहाँ पर अच्छे से लिखना है, मार्किंग अच्छे से करना है, ओके। ओ पॉइंट जो ओरिजिन है वो आपको वहाँ पर लिखना है। चलो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे इससे, ठीक है, समझ में आया? ठीक, चलो तो अब हम आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट वाला ग्राफ करेंगे। आप भी खुद प्रैक्टिस करो, नेक्स्ट वाला मैं भी सेम करेंगे। पहले हम क्या करेंगे, एक्सिस बनाएंगे, ये है ओ, ओके। देन यहाँ पर किंक लगेगा क्या, देखते हैं। यहाँ पर टू नहीं, यहाँ पर कुछ किंक की जरूरत नहीं है, ओके। 0 to 2 है एंड देन 2 to 3 है, तो बना भी सकते हैं, बट यहाँ पर ये डेटा देखो, ये तो डिसकंटिन्यूस डेटा है ना, तो हमें पहले इसे कंटिन्यूस बनाना होगा, तो पहले हम इसे बनाएंगे कंटिन्यूस। चलो तो कंटिन्यूस बनाते हैं, यहाँ पर मैं यहाँ पर लिखता हूँ कंटिन्यूस क्लास। तो डिफरेंस देखो कितना है, 3 to 4 के बीच में 1 का डिफरेंस है, तो ऑब्वियसली आपको 0.5 ऐड करना है। 0.5 मतलब 0.5 क्या, किस में ऐड करोगे, अपर क्लास लिमिट में, एंड लोअर क्लास लिमिट में से 0.5 माइनस करोगे, ठीक है। तो पहला वाला आपका क्लास क्या बनेगा, 1.5 to 3.5 बनेगा, ठीक है। देन यहाँ पर देखो 3.5 to ये बनेगा 5.5, देन यहाँ पर ये बनेगा 5.5 to ये बनेगा 7.5, देन ये 7.5 to 9.5, देन ये बनेगा आपका 9.5 to 11.5, ठीक है। तो ऐसे आपके यहाँ पर क्लासेस बनेंगे। ठीक है, ये सब आपके कंटिन्यूस क्लास, अब इसके अकॉर्डिंग आपको बनाना है, ठीक है। अब यहाँ पर भी हमें क्या करेंगे, ये भी 0 से नहीं शुरू हो रहा, तो हम यहाँ पर भी एक किंक बनाएंगे, क्रिंक बनाएंगे, क्रिंक, चल ठीक है। और यहाँ से शुरू करेंगे, ये आपका आएगा 1.5, देन ये आएगा आपका 3.5, देन आपका 5.5, ओके, देन 7.5, देन 9.5 एंड 11.5। चलो तो इतने हैं, ओके। अब स्केल वाई एक्सिस पर देखो, नंबर ऑफ आर्मर्स 30, 50, 55, 40, 20 है, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा 55 है, फाइव का बना सकते हैं हम, फाइव का तो कितने लगेंगे, 11 लाइंस लगेंगे हमें, राइट। 11, 10 का भी बना सकते हैं, ठीक है, 10 का भी, चलो ठीक है, 10 का ही बनाएंगे, तो 11 लाइन नहीं लगेंगे हमें, 6 और 7 लाइंस लगेंगे। चलो तो यहाँ पर पहले नाम लेना है हमें, यह है वाई, ये है हमारा वाई डैश, ये है एक्स, और यह है हमारा एक्स डैश, और ये बीच का ओरिजिन, ये क्रिंक है, ठीक है। इसके ऊपर स्केल बनाएंगे हम, अब स्केल लिखेंगे, पहले स्केल आपकी क्या है, ऑन लेट्स से एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पर हमारी स्केल होगी, एक्स पर कितना डिफरेंस है देखो, 1.5 to 3.5, 2 का, राइट। सो 2 क्विंटल यील्ड है वो, सो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 क्विंटल। देन ऑन वाई एक्सिस बनाएंगे, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितने नंबर ऑफ फार्मर्स, 10 फार्मर्स, ठीक है। चलो प्लॉट करेंगे, पहले ये वाई के वैल्यूज लिख लेते हैं, अब ये पहले 10, 20, 30, 40, 50 और 60, ज़्यादा से ज़्यादा आपका 55 है तो 60 के ऊपर लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। अब 1.5 to 3.5 क्लास का कितना है, 30, 30 मतलब ये वाला, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक
फिर ये हमें ज्वाइन करना है यहाँ पर, ठीक है। देन नेक्स्ट 3.5 to 5.5, 3.5 to 5.5 का कितना है 50, तो मतलब ये दो। ओके नेक्स्ट है आपका कितना, 5.5 to 7.5 का 55, 55 मतलब इसका हाफ, 50 to 60 का हाफ, राइट, बीच का ये। देन नेक्स्ट है आपका 40, 40 कहाँ पर, ये यहाँ पर। एंड देन नेक्स्ट 20, 20 यहाँ पर आएगा। ओके यस, ये बना आपका हिस्टोग्राम, ठीक है। सब चेक करो, स्केल लिखी है, एक्सिस नाम लिखा है, ओरिजिन लिखा है, वैल्यूज लिखा है। अब देखो एक्स एक्सिस पर, वाई एक्सिस पर हमने कुछ नहीं लिखा, तो वो लिखा है, लिखना है हमें। एक्स एक्सिस पर क्या है, यील्ड, राइट, यील्ड पर एकर, यहाँ पर लिखो अच्छे से। ये है आपकी यील्ड पर एकर इन क्विंटल, ये किसमें है, क्विंटल में। ओके तो ऐसे आगे करते हैं। एंड देन वाई एक्सिस पर हमारा क्या है, नंबर ऑफ फार्मर्स, तो ये है आपका नंबर ऑफ फार्मर, नंबर ऑफ फार्मर्स। चलो अब हो गया पूरा काम हमारा, ठीक है। तो ये है हमारा हिस्टोग्राम फॉर द क्वेश्चन नंबर 2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, वही सेम काम करेंगे, पहले हम एक्सिस बनाएंगे। देखो यहाँ पर किंक, ये कंटिन्यूस है क्या, ये कंटिन्यूस है, यहाँ पर भी किंक लगेगी, यहाँ पर क्रिंक लगेगी, ठीक है, ये क्रिंक। ये बनी क्रिंक, चलो यहाँ पर क्लासेस हम बनाते हैं अब सीधा। ये होगा 10 to 15, देन 15 to 20 है, देन ये 25, देन ये 30, राइट, देन आपका ये 35, ठीक है। चलो और ये क्या है, इन्वेस्टमेंट है, 1000 रुपीज़ में इन्वेस्टमेंट, ये है इन्वेस्टमेंट किसमें, थाउजेंड्स में, इन थाउजेंड्स। ये हमारा एक्स एक्सिस, ये एक्स होगा, ये होगा एक्स डैश, ये है वाई डैश, और ये ऊपर का वाई, ठीक है। और वाई एक्सिस पर क्या है, नंबर ऑफ फैमिलीज, वाई एक्सिस पर है नंबर ऑफ फैमिलीज कितने हैं, 30, 50, 60, 55, तो 60 है। यहाँ पर भी हम 10 का ही बनाएंगे, ठीक है। ये क्या है आपका, नंबर ऑफ फैमिलीज, ओके ठीक है। वाई एक्सिस पर भी हम स्केल 10 की रखेंगे, सबसे पहले ये काम करना है, नहीं तो आप ग्राफ पहले निकालते हो फिर बाद में ये सब करते हो तो उसका कुछ मतलब नहीं। 30, 40, 50, 60, 65 का है क्या, नहीं, फिर भी एक बार 70 का रख देते हैं। अब हम निकालेंगे स्केल, लिखेंगे स्केल। अब स्केल देखो, ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पर 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू क्या है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू एक्स एक्सिस पर हमने रखा है 10 to 5 मतलब 5,000 इन्वेस्टमेंट, ओके 5,000 की इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट आपको पूरा लिखना है, मैं शॉर्ट में यहाँ पर लिख लूँ। देन ऑन वाई एक्सिस, वाई एक्सिस पर 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू क्या है, नंबर ऑफ फैमिलीज, कितने नंबर ऑफ फैमिलीज हमने ली है, 10, 10 फैमिलीज, ठीक है। चलो तो अब ग्राफ को प्लॉट करेंगे, यहाँ पर सिंपल वाला ही ग्राफ है। ओके तो ग्राफ देखो, 10 to 15 है 30, तो ये यहाँ पर आएगा, ठीक है। देन नेक्स्ट है आपका 50, ये आएगा यहाँ पर, उसी लाइन पर एक्चुअली आना चाहिए वो अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कितना है, 20 to 25 का 60,
नेक्स्ट है आपका 25 to 30 का 55। 55 कहाँ पर आएगा? ये 55 आएगा इसके बीच में, यहाँ पर। देन नेक्स्ट आपका है 30 to 35 का 15। 15 ये 10 और 20 के बीच में आएगा, यहाँ पर आएगा। ये हुआ आपका फ्रीक्वेंसी, नहीं ये हुआ आपका हिस्टोग्राम क्वेश्चन नंबर 3 के लिए, ठीक है। और थोड़ा लाइन वर्क आपको अच्छे से करना है, यहाँ पर डिजिटली मुझे इतना नहीं आया अच्छे से। ओके, ये लाइन वर्क थोड़ा सा अच्छे से होना चाहिए, उसी ब्लू लाइन के ऊपर आपकी लाइन आनी चाहिए। ओके ठीक, अब नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है ये वाला हमारा भैया, लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये हमारा वाई, ये हमारा वाई डैश, ये हमारा एक्स, ये हमारा एक्स डैश, ये हमारा ओ। ओके, यहाँ पर क्रिंक लगेगी क्या? यस लगेगी, क्रिंक लगेगी। ठीक है, चलो ये वाला हम लिखेंगे, कितना है? 60। ओके, 60 to 80 है, 80 to 100 है, देन 100 to 120 है, देन है हमारा 140, एंड देन है हमारा 160। ठीक है, अब देखो कितना कितना है, 14 है, 20, 24, 22, देन 16। अब टू से, ठीक है टू से ही करना पड़ेगा हमें यहाँ पर। ओके, या फोर से कर सकते हैं, फोर से नहीं टू से करेंगे। ठीक है, तो वाई एक्सिस पर हम रखेंगे स्केल, रखेंगे 2 का, तो थोड़ा सा ज़्यादा लगने वाला, क्योंकि 11 लाइन हमें लगने वाली है यहाँ पर। ओके, तो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, बस हुआ। ठीक है, अब एक्स एक्सिस पर क्या है? ये है टाइम इन मिनट्स, ये है टाइम इन मिनट्स। और वाई एक्सिस पर क्या है आपका? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये है आपका नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, स्केल क्या है आपकी यहाँ पर? स्केल है ऑन ऑन एक्स एक्सिस, चलो कहेंगे ऑन एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर। अब आप बताओ हमने कितना लिया? 1 सेंटीमीटर, 60 to 80 मतलब 20। 20 क्या? 20 मिनट्स। ठीक है, ऑन वाई एक्सिस, अब वो ऑन वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू हमने क्या लिया यहाँ पर? 2 स्टूडेंट्स, 2 स्टूडेंट्स। ठीक है, चलो तो अब हम करेंगे प्लॉट। देखो 60 to 80 ग्रुप का कितना है? 14, तो यहाँ पर प्लॉट करो 14। 14 कहाँ पर? ये वाली, यहाँ से मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ तक। ये भैया गलत जगह पर क्या, हमें यहाँ पर करना चाहिए। फिर से एक बार बता रहा हूँ, लाइन वर्क अच्छा होना चाहिए। देन नेक्स्ट है आपका 80 to 100 का 20। 20 कहाँ पर है? 20, 20 यहाँ पर है। इसके ऊपर आपको क्वेश्चंस भी आ सकते हैं थेरोटिकल। ओके, देन नेक्स्ट है आपका 100 to 120 का 24। 24 ये यहाँ पर। देन नेक्स्ट है आपका 120 to 140 का 22, ये यहाँ पर। देन नेक्स्ट है आपका 140 to 160, 16 ये वाला। ठीक है बा, चलो ये हुआ हमारा इंस्टाग्राम फॉर द क्वेश्चन नंबर 4। अच्छे से यहाँ पर कुछ डार्क करना है, ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है, अगर आप चाहते हो तो कर सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट जो भी आएगा आपका, वो आएगा नेक्स्ट क्लास फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के ऊपर। तो ये हमारा खत्म हुआ स्टैटिस्टिक्स का क्लास नंबर 4 एंड प्रैक्टिस सेट आपका 6.4। ठीक है, तो कीप लर्निंग, बाय बॉल, धन्यवाद, बाय बाय।